भंडारी हत्याकांड में जो तथ्य जेसीबी ड्राइवर सामने लेके आया और इनको जोड़ा जाए उस तथ्य से कि कैसे एक ट्वीट आया था मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि जेसीबी चलाई गई बुलडोजर से जस्टिस करा गया, और उसके बाद ना केवल ट्वीट हटा मगर यह भी कहा गया कि डीएम को शायद पता ही नहीं था इसके बारे में। और रात को रेणु बिष्ट ने भी जाकर वहां पर दूसरी बार उसके कमरे पर बुलडोजर चलवाया और निश्चित तौर पर कोई ना कोई वहां तथ्य रहे होंगे, वहां एविडेंस रहा होगा जिनको गया मिटाया। लेकिन जो जेसीबी चालक है उसने ये आरोप लगाया है कि प्रमोद कुमार जो एसडीएम है और रेणु बिष्ट वहां की विधायक, उन दोनों के कहने पर उसने जेसीबी चलाया, मगर केवल विटनेस बना देने से रेणु बिष्ट को बात तो पूरी नहीं हो जाएगी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट इनके खिलाफ अब तक क्यों नहीं करी गई, अब तक रेणु बिष्ट को क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बचाने के लिए जेसीबी चलवाई थी रेणु बिष्ट ने, क्या ये ना माना जाए? प्रमोद कुमार को क्यों नहीं आरोपित बनाया गया, रेणु बिष्ट को अब तक क्यों नहीं आरोपित बनाया गया, ये अवश्य बताए आज की सरकार, क्योंकि सरकार का काम है कि देखे कि पुलिस अगर कार्य ठीक से नहीं कर रही है तो क्यों। मगर ऐसा क्यों ना माना जाए कि पुलिस, भाजपा और सरकार में बैठी भाजपा सरकार मिली भगत करके केस को कमजोर कर रही है।